ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 510 के मिड टर्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले है इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो कि डायरेक्टली आते हैं TQM से, वो क्या है? पहला है कस्टमर फोकस, अंडरस्टैंड करना कस्टमर की नीड्स, स्ट्राइव करना कि ताकि एक्सीड किया जाए उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, लीडरशिप एस्टेब्लिश करना, डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ पर्पस और एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, इंश्योर करना कि तमाम एम्प्लॉयज जितने भी लेवल्स के ऊपर हैं, ऊपर नीचे कहीं भी एबल हों के फुली यूज़ करें एक्चुअली उनकी एबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए, और प्रोसेस अप्रोच यानी रीऑर्गेनाइज करना कि तमाम जो वर्क है वो डन हो प्रोसेसेस के जरिए, मैनेज करना उनको अकॉर्डिंगली, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, एक्सपेंड होना प्रिंसिपल प्रीवियस प्रिंसिपल के ऊपर, इंटेट अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव जो कि रिक्वायर करता है एक सिस्टम को, इंटर रिलेटेड प्रोसेस का, और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होना। सो एज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के तौर पर रिकग्नाइज करना, रिकग्नाइजिंग और एक्ट करते हुए फैक्ट के ऊपर कि कोई भी गुड जो है वो इतना अच्छा नहीं है कि फर्दर इम्प्रूवमेंट इम्पॉसिबल है, यानी ऐसा ना हो कि ये सोचा जाए कि इस गुड को अब फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को रखा जाए कि कोई भी गुड ऐसा नहीं है कि वो फर्दर इम्प्रूवमेंट उसके लिए इम्पॉसिबल है। सो फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, एक्नॉलेजिंग के जो साउंड डिसीजन है वो लाजमी बेस्ड हो एनालिसिस के ऊपर, फैक्चुअल डेटा के और इंफॉर्मेशन के, और म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिनर्जी, लेना एडवांटेज सिनर्जी का जो कि फाउंड हो सकता है इन रिलेशनशिप में। सिनर्जी से मुराद एक और एक दो मिलके 11 या फिर 11 नहीं भी हो तो कम से कम 3 लोगों के तो काम करें वो दो मिलके। सो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, अब लोगों ने जो है वो डिफाइन किया है क्वालिटी को बहुत से तरीक़ों में। कुछ डिफाइन करते हैं एज अ सुपेरियरिटी या एक्सीलेंस, दूसरे इसको देखते हैं एज अ लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस डिफेक्ट, और कुछ सोचते हैं क्वालिटी को एज अ रिलेट जो कि रिलेट है प्रोडक्ट फीचर्स से या फिर प्राइस से। सो कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए देखा जाता है क्वालिटी को, वो है परफेक्शन का होना, कंसिस्टेंसी होना, एलिमिनेट होना वेस्ट का, स्पीड होना डिलीवरी की, कंप्लायंस होना पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के साथ, प्रोवाइड करना एक गुड यूजेबल प्रोडक्ट, डूइंग इट राइट द फर्स्ट टाइम इनके पहली बार में ही सही कर लेना, डिलाइट करना या प्लीज करना कस्टमर को, इनके खुश करना, और टोटल कस्टमर सर्विस और सेटिस्फेक्शन, नाउ दी जीरो डिफेक्ट। सो क्रॉसबी फील दैट द जीरो डिफेक्ट कॉन्सेप्ट इज वाइडली अंडरस्टूड एंड रेजिस्टेड। क्रॉसबी ये फील करते हैं कि जो जीरो डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो वाइडली तौर पे मिसअंडरस्टूड है और रेजिस्टेड है। सो जीरो डिफेक्ट जो है वो एक मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है, इसको देखा जाता है कुछ इस तरीके से कि जीरो डिफेक्ट जो है वो एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड है क्राफ्टमैन का रिगार्डलेस कि इसका जो असाइनमेंट है और जो थीम है जीरो डिफेक्ट की, वो क्या है कि करना चीज़ों को पहली बार में सही, पहली बार में ही सही कर लेना है। नहीं, इसका मतलब ये कि कंसंट्रेशन होना प्रिवेंट करने के ऊपर डिफेक्ट्स को, ना कि ये कि फाइंडिंग और फिक्सिंग किया जाए, यानी कि ये कि रोक लिया जाए डिफेक्ट्स को, ये ना हो कि आगे चल के हम उसको जो है वो ढूंढेंगे और उसको सही करेंगे, बल्कि उनको प्रिवेंट किया जाए। सो उसके बाद है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। सो ये एक टर्म है जो कि वाइडली यूज और मिसअंडरस्टूड है। सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है वो प्राइस नहीं है क्रिएट करने की क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस, और ना ये जो है वो कॉस्ट है क्रिएट करने की एक प्रोडक्ट या सर्विस। सो जब भी कभी वर्क जो है वो रिडन होता है, जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती है उसके अंदर इजाफा होता है। एग्जाम्पल अगर है तो रीवर्किंग होना एक मैन्युफैक्चर्ड आइटम की, रीटेस्टिंग होना असेंबली की, रीबिल्डिंग होना टूल की, करेक्शन जो एक बैंक स्टेटमेंट की। सो नाउ दी अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये कॉस्ट वो होती है जो कि रिलेट करती है प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स के साथ, और इनमें शामिल है इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग, सॉर्टिंग और दूसरी क्वालिटी कंट्रोल इनिशिएटिव्स। नाउ द ट्रांसेंडेंट व्यू ऑफ क्वालिटी,
जो कॉन्सेप्ट है क्वालिटी का वो डिफाइन किया जा चुका है ट्रांसेंडेंट व्यू से, और ये व्यू इम्प्लाई करता है कि जो हाई क्वालिटी है वो कोई ऐसी चीज़ है टाइमलेस और एंड्यूरिंग, एक एसेंस जो है जो कि ट्रांसेंड करता है या फिर राइज होता है अबव इंडिविजुअल टेस्ट या स्टाइल, और इसको अक्सर रिगार्ड किया जाता है क्वालिटी एज एन अनएनालाइजेबल प्रॉपर्टी जो कि लोग लर्न करते हैं कि रिकग्नाइज करें एक्सपीरियंस के जरिए। जैसे कि प्लेटो ने आर्ग्यू किया था कि ब्यूटी जो है वो उसको अंडरस्टूड किया जा सकता है सिर्फ जब एक्सपोजर हो एक सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट को जो कि डिस्प्ले करता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।